सो सबसे पहले शुरू करेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। वैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहते हैं, बट यहां पे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे। अब रिडक्शन जो है वो कई तरीके का देखने को मिलता है। कई सारे रिएजेंट हम ले सकते हैं जिनके थ्रू रिडक्शन हो सकता है। अब उनमें हम मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो, या रिएजेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो पहला होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन। अच्छा यहां लिख लो हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं इसे। और इसको हाइड्रोजेनोलिसिस, हाइड्रोजेनोलिसिस भी कहते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, एक होगा मेटल और प्रोटॉन एसिड रिडक्शन। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन एंड फोर्थ वन इज मिसेलेनियस रिडक्शन। ओके सबसे पहले शुरू करेंगे इसमें हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। एक होगा हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। ऐसे कैटलिस्ट जिनका फेज डिफरेंट हो रिएक्टेंट के फेज से, जैसे सॉलिड अगर कैटलिस्ट है और रिएक्शन लिक्विड या एक्वस मीडियम या गैस में हो रही है तो हेट्रोजीनस। और दूसरा होगा होमोजीनस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट एंड होमोजीनस कैटलिस्ट होता ये है, ये हम जनरली यूज करते हैं फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। सो बेसिक बात यह है कि आपके पास अगर एक अल्कीन है और उसमें हाइड्रोजन ऐड कराना है तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। अगर यहां पे डेल्टा जी लिखें, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, एंड एक्स एक्सिस पे लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब रिएक्टेंट अगर अल्कीन था और यहां पे इसमें हाइड्रोजन के बॉन्ड बन
बन रहे हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है इस तरीके का, एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है इसमें हाइड्रोजन लग चुका है। तो इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जो है काफी ज्यादा है। अगर इसमें हम एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं जो कि एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, तो वो एक दूसरे पाथ से ले जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट तो सेम आएगा, बट अब जो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। सो ऊपर में जो लिखा है हमने, दिस वन इज नो कैटलिस्ट केस, तो ये स्लो होगा। जबकि जब आप विथ कैटलिस्ट लेंगे, सो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी का गैप चाहिए, एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, वो कम हो जाएगा और प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी बन सकता है इस केस में। और इसी वजह से आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं। कैटलिस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट एंड होमोजीनस। हेट्रोजीनस आप देख चुके हो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल सॉलिड था, H2 गैस था, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। देन होमोजीनस कैटलिस्ट के एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे। इसमें एक हमारे पास होगा विल्किंसन कैटलिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस, सॉरी विल्किंसन नहीं, लिंडलार्स कैटलिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस, एंड रोजेनमंड कैटलिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस। क्या बेच रहा है ये? मराठी में बोल रहा है क्या ये? ओके, नोट कर लिया हमने यहां तक। सो एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हेट्रोजीनस पढ़ेंगे फिर होमोजीनस पढ़ेंगे। नोट कर लिया हमने। सो फर्स्ट वन इज हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इनसॉल्युबल इन द रिएक्शन मीडियम। कैटलिस्ट इज इनसॉल्युबल इन द रिएक्शन मीडियम।
इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेनी निकल, और H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, चारकोल दैट इज कार्बन, और H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, सो ये जनरल हमारे रिएजेंट्स होंगे हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के। तो यहाँ पे जो मेटल है या जो कैटलिस्ट है वो, जैसे निकल का ये सरफेस है, तो इस निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन आके जमा हो जाते हैं, सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इस एड्सॉर्ब होने के लिए जो सरफेस है वो मेटल निकल पैलेडियम या प्लैटिनम का सरफेस प्रोवाइड करता है। सो वी कैन राइट दैट सबस्ट्रेट दैट इज H2 इज केमिजॉर्ब्ड, एड्सॉर्ब्ड, केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस। प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड एडिशन इज फ्रॉम द सेम साइड, सो दिस इज अ टाइप ऑफ सिन एडिशन। सो जो बेसिक रिएक्शन हो रही है, नोट कीजिए यहां पर, सो लेट्स से वी हैव अ जनरल रिएक्शन और इसमें हमने ऐड कराया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एंड द प्रोडक्ट इज सो अब इसमें जब आप H2 ऐड करोगे तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कुछ इस तरीके से होगा। अगले स्टेप में जो मेटल का सरफेस है इसके ऊपर ये दोनों हाइड्रोजन या H2 मॉलिक्यूल जो है वो आके इस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है। तो इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच का बॉन्ड जो है वो थोड़ा वीक होने लगेगा और यहाँ से फिर ये कार्बन की तरफ
जुड़ने लगेंगे। देखिए दोनों सेम साइड से ऐड हो रहे हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेज में एच एच दोनों ऐड हो गए, क्योंकि यहां पे इनके बीच का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है जुड़ने के पहले, तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम ड्यूटीरियम लगा दें इसकी जगह एक, तो ड्यूटीरियम भी ऐड हो जाएगा। यानी H2+D2 अगर आप ले रहे हो तो हाइड्रोजन का भी एडिशन होगा और ड्यूटीरियम का भी एडिशन होगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्प्लिट हो रहा। नाउ जनरल रिएक्शन और किस किस के लिए रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, तो वी कैन राइट हियर सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। RCOCl विल बी रिड्यूस्ड टू RCH2OH। सो RCOCl इसमें रिडक्शन कुछ इस तरीके से होगा, जब आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल लेंगे, कि Cl और O रिड्यूस होके आ जाएगा RCH2OH में। देन अगर आपके पास RNO2 है, नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन का एडिशन होना था तो RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अल्काइन, अल्काइन किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन में। देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। और अगर कीटोन है आपके पास में, RCOR, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू RCH2R। देन इफ वी हैव नाइट्राइल ग्रुप C-NNN, दिस विल गेट रिड्यूस्ड टू RCH2NH2। देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, एस्टर नहीं है और अमाइड नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट रिड्यूस्ड। तो इसको हम नोट बना के लिख लेंगे आगे। अगर यहां तक हो गया तो नोट। फर्स्ट जनरली RCOOH, RCOOR एंड RCONH2 आर नॉट रिड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सेकेंड पॉइंट स्टीरियोकेमिस्ट्री, देर इज अ सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक एग्जांपल ले लिया जाए,
बनाना है हमें। ड्रॉ द प्रोडक्ट, क्या रहा है फर्स्ट में प्रोडक्ट? सो वी हैव सिस और एडिशन हो रहा है सिन। सो सिस, मेरे को सिस एंटीरेस्मिक पता था, तो सिस सिन शुड बी अ मेजो कंपाउंड। फर्स्ट वन, देन दिस वन इज ट्रांस सिन, तो ट्रांस एंटी मेजो था, देन ट्रांस सिन ट्रांस एंटी मेजो ट्रांस सिन रेसमिक मिक्सचर, दैट मीन्स एच, और एक इसका मिरर इमेज। सेकेंड वन नोट कीजिए यहां तक। सेकेंड इज होमोजीनस, कैटलिस्ट सो इन होमोजीनस कैटलिस्ट कैटलिस्ट इज सॉल्युबल इन रिएक्शन मीडियम। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ होमोजीनस इज ऑल्सो सिन एडिशन, एंड एक कैटलिस्ट हम लेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट होता है
रोडियम, C6H5 3, पी एंड सी एल। सो दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बट इट इज सॉल्यूबल इन द रिएक्शन मीडियम। बाकी रिएक्शन जो हमने देखा H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल वाला, सेम रिएक्शन यहाँ पे भी आपको सेम रिएक्शन सेम सिन एडिशन देखने को मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल यहाँ भी लिख सकते हैं। H2 इन प्रेजेंस ऑफ सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, और कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो विल्किंसन कैटलिस्ट इज अ होमोजीनस कैटलिस्ट, इतना ही है, बाकी रिएक्शन में तो कुछ है नहीं। सेम साइड से एडिशन होना है, सेन एडिशन होना है, तो सेस एंटीरेस्मिक का उल्टा ले लेना है अपने को। यहाँ पे बता चुका हूँ वो मैं पूरा का पूरा कहानी। देन थर्ड वन, थर्ड कैटलिस्ट हम देखेंगे फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स। थर्ड वन इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, CaCO3 एंड क्विनोलिन। दिस इज फॉर पार्शियल रिडक्शन। ऑफ अल्काइन टू अल्कीन द एडिशन इज फ्रॉम द सेम साइड, दैट इज सिन एडिशन। सो यहाँ पे CoCO3 एंड क्विनोलीन आर द कैटलिस्ट पॉइजन जो अल्काइन से अल्कीन पे रिएक्शन को रोक देंगे और उसके आगे नहीं बढ़ने देंगे। अल्काइन टू अल्कीन, और एक और लिख लो फॉर एसिड क्लोराइड। टू एल्डिहाइड, CaCO3, क्विनोलीन, इज कैटलिस्ट पॉइजन। तो ये कैटलिस्ट के सरफेस यानी कि पैलेडियम के सरफेस को कवर कर लेते हैं और फिर कंप्लीट रिडक्शन नहीं होने देते। सो बेसिकली अगर हमारे पास अल्काइन हो और इसमें ऐड करते हैं हम या हमारे पास एक एसिड क्लोराइड हो और इसमें ऐड करते हैं,
सो अल्काइन विल बी कन्वर्टेड टू अल्कीन. नाउ दिस इज सिस फॉर्म एंड एसिड क्लोराइड विल बी कन्वर्टेड टू अल्केन. Sin addition quinoline का स्ट्रक्चर ना नोट लगा के इसके नीचे लिंडलार्स कैटलिस्ट की जगह निकेल बोराइड भी यूज कर सकते हैं. निकेल बोराइड Ni2B विच इज ऑल्सो नोन एज P2 कैटलिस्ट इज एन अल्टरनेटिव कैटलिस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन. और निकल बोराइड बनाना है आपको तो आप निकल एसीटेट ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH एल्कोहल. तो हमें मिल जाता है Ni2B. सो निकेल बोराइड भी यहां पे ले सकते हैं या फिर इसकी जगह हम ले सकते हैं रोजेनमंड कैटलिस्ट. रोजेनमंड कैटलिस्ट एंड लिंडलार्स कैटलिस्ट आर यूज्ड फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन एंड पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड. नोट करो यहां तक. फोर्थ वन इज रोजेनमंड कैटलिस्ट. H2 इन प्रेजेंस ऑफ पेलेडियम और यहां पे हम ले लेते हैं बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन. तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह बेरियम सल्फेट हम यहां पे ले रहे हैं. इतना अंतर है रोजेनमंड कैटलिस्ट में. सो अगेन लिख लीजिए यहां फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन एंड
एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड। क्विनोलिन और सल्फर इज यूज्ड एज कैटलिस्ट पॉइजन। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज सिन एडिशन। सो अगर एक एग्जाम्पल दें प्रोडक्ट बनाने के लिए, H2PDBSO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन प्रोडक्ट बनाना है। फर्स्ट वन सेकेंड अगला लिखिए सेकेंड टाइप ऑफ रिडक्शन इज मेटल प्रोटॉन दैट इज एसिड। मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बेसिकली ये वाला रिडक्शन, मेटल के साथ एसिड जिसमें आप लेंगे ऐसे रिएजेंट्स को हम सेकेंड पार्ट में पढ़ रहे हैं। सो यहां पे दो स्टेप में होता है ये। सबसे पहले तो काम ये होता है कि मेटल गिव इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स मेटल जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है। देन जो एच प्लस आएगा वो आएगा एसिड से। सो प्रोटॉन सोर्स इज एसिड। प्रोटॉन सोर्स, प्रोटॉन मतलब एच प्लस की बात कर रहे हैं यहां। एच प्लस का सोर्स जो होगा वो एसिड होगा। सो ये होता कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ए बॉन्ड बी है, इसमें आप जब मेटल ऐड करेंगे तो मेटल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन जाके अगर बी से लग जाए
तो आपको मिल जाएगा ए डॉट, यहां तो ए और बी के बीच में होमोलिटिक डिसोसिएशन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, बी माइनस। और यहां पे इसका उल्टा हो जाए, ए माइनस बन जाए और बी डॉट बन जाए। अगले स्टेप में आप देखेंगे एच प्लस आके लगेगा, एच प्लस कहाँ लगेगा, जहां नेगेटिव चार्ज है, तो आपको मिल जाएगा ए डॉट प्लस बी एच, और इस केस में आपको मिल जाएगा एच प्लस ऐड करने पे ए एच प्लस बी डॉट। अगर ए डबल बॉन्ड भी है सो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो आपको मिलेगा, लेट से ये पहला वाला मैं देख रहा हूं, ए डॉट और बी पे माइनस आ जाए। अब एच प्लस आके लगेगा तो बनेगा ए डॉट बी एच। सो ये एक जनरल रिएक्शन का टाइप है मेटल प्रोटॉन एसिड रिडक्शन के केस में। सो इसमें सबसे पहला, यहां तक नोट कीजिए, इसमें सबसे पहला टाइप देखेंगे हम, इज बिर्च रिडक्शन। सोडियम और लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ NH3 लिक्विड और C2H5OH। सो बिर्च रिडक्शन यूज करते हैं फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन एंड बेंजीन। एडिशन का टाइप कैसा है स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज? सो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज एंटी एडिशन। जनरल रिएक्शन, सो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर इन प्रेजेंस ऑफ Na NH3 एंटी एडिशन होगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा ये। मैकेनिज्म अगर देखना है हमें इसका, या पहले मैं बेंजीन का भी पहले मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो इसमें पहले तो ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली डिसोशिएट होगा एंड Na टू गिव सी डबल बॉन्ड सी। एक पे आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और एक पे एक इलेक्ट्रॉन और आर। फर्स्ट स्टेप हो गया ये। देन अगले स्टेप में दिस नेगेटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन के साथ एंड अपोजिट पे आ जाएंगे बिकॉज दे रिपेल ईच अदर।
देन NH3 जो था वो NH3 में से एक H जो है यहां से वो जाके इस नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो हमें मिलता है R, H लग गया यहाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड R। देन इन द नेक्स्ट स्टेप सोडियम एंड फिर से NH3, यानी सोडियम फिर से एक इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर से NH3 एक एच प्लस देगा। सो फाइनली वी हैव दिस ट्रांस प्रोडक्ट। सो रिएजेंट इज अल्कली मेटल, सो यहां पे लिथियम हो सकता था, सोडियम हो सकता था, पोटेशियम हो सकता था, और सॉल्वेंट यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती थी, या तो यहाँ पे NH3 सॉल्वेंट होगा या फिर यहाँ पे अल्कोहल सॉल्वेंट देखने को मिलेगा। देन बेयर्स रिडक्शन अगर बेंजीन के लिए देखेंगे हम, बेयर्स रिडक्शन फॉर बेंजीन रिंग सो बेंजीन NaNH3 लिक्विड, हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पे सो देयर इज अ पार्शियल रिडक्शन। मैकेनिज्म देख लीजिए किस तरीके से हुआ। सो मेटल एसिड रिडक्शन का टाइप है ये। सो फर्स्ट स्टेप में एने तो यहां पे जो एच था उस पे आ जाएगा माइनस, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर देन NH3 में NH2 H का H जाके लगता है, और फिर से ये सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, और वापस से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, वापस से जो है फिर NH3 में से NH2 और एक एच। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन और दिया यहाँ पे और फिर ये फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मैकेनिज्म इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अगर यहां पे बेंजीन पे
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगा देंगे तो किस तरीके से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म देख लो, अच्छे समझ लो और बताओ मुझे नोट कर लिया हमने। अगर बेंजीन से लगा हुआ है एक ग्रुप जी और ग्रुप जी है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लाइक आर ओ आर और NH2, और इसमें ऐड किया हमने NaNH3, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? सो आंसर है इसका, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ERG, तो ग्रुप जी के करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड यहाँ पे, यानी रिडक्शन जो हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, वो ग्रुप जी वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे और उसके बाद उसके अपोजिट फोर्थ पोजीशन पे हुआ। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक ग्रुप जी लगा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लाइक NO2, COOH, CHO, CN, इसमें जब हम ऐड कर रहे हैं Na इन प्रेजेंस ऑफ NH3, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? नाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैकेनिज्म देखो अगर, तो मैकेनिज्म देखने से ये पता चलता है कि नेगेटिव चार्ज जो आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज आया उस पोजीशन पे जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो नेगेटिव चार्ज विड्रॉ करके स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसके नेक्स्ट के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है देखो, तो आपको बस ये डिसाइड करना है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आना चाहिए। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, सो ग्रुप जी वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर इसके नेक्स्ट के दो पोजीशन पे और यहाँ पे फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए। सो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ दैट फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो आना चाहिए। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे बेस रिडक्शन देखने को मिलेगा।
नोट कर लिया हमने। लिखो बेच रिडक्शन इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर डैश दैट इज अ नॉन टर्मिनल अल्काइन एंड सेकेंड इज बेंजीन रिंग। एक एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, नॉन टर्मिनल अल्काइन है तभी आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एक टर्मिनल अल्काइन है और इसमें आपने ऐड कर दिया है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ NH3, तो देखो ध्यान से, नॉन टर्मिनल पोजीशन का तो ठीक है लेकिन टर्मिनल पोजीशन में दिस हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन, और एक्टिव हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्या होता था कि सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल लेगा टू गिव आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एंड Na+, और H से बन जाता था H2 गैस यहां से बाहर। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है C5H8 विच ऑन रिएक्शन विथ NaNH3 एंड देन ऑन रिएक्शन विथ CH3Br गिव्स एक्स। फाइंड एक्स। सो DU निकाला हमने सबसे पहले, DU आ जाएगा 2, सो दिस इज C3H7, दिस शुड बी अ टर्मिनल अल्काइन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ NH3 आ जाएगा C माइनस Na+, देन इसमें ऐड किया CH3Br, तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा CH3 पे Br पे और Br बाहर आ जाएगा टू गिव C3H7 सी ट्रिपल बॉन्ड CH3 एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट।
सेकेंड टाइप ऑफ रिडक्शन इन मेटल इज रिडक्शन इज ब्लैंक रिडक्शन। बाउबल्ट ब्लैंक रिडक्शन, इसमें रिएजेंट लेते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। नाउ ये यूज कर रहे हैं, देखिए बाउबल्ट ब्लैंक रिडक्शन यूज कर रहे हैं हम फॉर एल। ये मैं एक बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसमें रिएजेंट लिख देता हूँ और प्रोडक्ट लिख देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। रिएजेंट और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। सो इफ वी हैव एल्डिहाइड, सो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देंगे आप एल्कोहल में, देखिए 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अगर हमारे पास एक कीटोन हो, तो हमें मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हमारे पास साइनाइड है, RC(NN), तो इसको रिड्यूस कर दोगे आप RCH2NH2 में। अगर एसिड हैलाइड है, मान लो RC(C(CL), तो देखो अगर आपके पास एसिड हैलाइड था और उसका कंप्लीट रिडक्शन आप करा रहे हो, तो कंप्लीट रिडक्शन में आप पहुंचेंगे। पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का कंप्लीट रिडक्शन एल्कोहल। रिएजेंट ध्यान से देख लो, फॉर एग्जाम्पल CH3CHO, इसमें ऐड किया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। बना प्रोडक्ट। सो अगर आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH अल्काइन के साथ लोगे तो अल्कीन में कन्वर्ट होगा, बेंजीन के साथ लोगे तो 1,4 रिडक्शन होगा, बाकी रिएजेंट्स के साथ लेंगे तो प्रोडक्ट देख लीजिए। रिडक्शन कराना है आपको, सबका रिडक्शन नहीं होगा बट ज्यादातर कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा। एल्डिहाइड था ये, एल्डिहाइड का रिडक्शन आएगा CH3CH2OH, दैट इज एन एल्कोहल। Then next is third one. Stephens reaction. Stephens reduction कहते हैं इसे। Stephens reduction में reagent लिया जाएगा। First step में आप लेंगे tin chloride in presence of HCl. मेटल एसिड रिडक्शन। सेकेंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये स्पेसिफिकली यूज किया जाता है फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल
टू एल्डिहाइड। रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में हम, सेकंड स्टेप में तो आपको मिल जाएगा सीधा सीधा एल्डिहाइड। अगर आप नाइट्राइल ले रहे हो और इसमें आप ऐड कर रहे हो LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, या आप इसकी जगह ले रहे हो Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, एंड सेकेंड में मैं ले रहा हूँ SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड हाइड्रोलिसिस। तो आपको देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Na C2H5OH, बाउवेल्स रिडक्शन का मैंने अभी बताया था, कंप्लीट रिडक्शन होगा और हमें मिल जाएगा RCH2NH2। जबकि इस केस में आपको मिल जाता है SnCl2, अगर आप सिर्फ HCl तक लोगे तो C डबल बॉन्ड NH और H इस तरीके का कुछ मिलेगा आपको। देन वाटर पे हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको मिल जाएगा RCOH एल्डिहाइड। नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। फोर्थ रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन इज क्लेमेंसेंस रिडक्शन। क्लेमेंसेंस रिडक्शन में रिएजेंट लेंगे हम, जिंक मरकरी का एलॉय इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। सो होता यह है कि इसको यूज करते हैं आप कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए अल्केन में। ड्राई HCl भी लिखा जाता है कई बार, यहां पे कंसंट्रेटेड HCl भी लिखा जाता है। सो बेसिकली यहां पे H2 लगा देना है, कार्बन जो कि SP2 हाइब्रिडाइज था उससे SP3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड से अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन का टाइप है ये, लिख सकते हैं यहां पे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जो कि है एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्केन। मैकेनिज्म अगर हमें देखना हो, फर्स्ट स्टेप में H+ जाके लगता है ऑक्सीजन पे, आएगा प्लस, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन पे आ जाएगा फिर प्लस, देन जिंक गिव्स जिंक +2 +2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे जाके ये लगेगा तो कार्बन पे आ जाएगा अब माइनस, देन यहां से 2H+ फिर से आएगा टू गिव CHOH2, ओ पे आ जाएगा प्लस, OH2 हटेगा तो आपको मिल जाएगा
यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे आ जाएगा सी पे प्लस, फिर इसके बाद फिर से जिंक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन फिर से आके लगेगा तो कार्बन पे आ जाएगा माइनस, और फिर यहाँ पे एच प्लस आएगा एसिड से और हमें मिल जाएगा CH2। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक दो। Draw the product. So first one आ जाएगा CH3 CH3, second one CH3 CH2 CH3। एक बात और ध्यान रखना है कि इसको हमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के प्रेजेंस में अवॉइड करना है, तो नोट लगा के लिख लीजिए। क्लेमेंसन रिडक्शन इज अवॉइडेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप लाइक एल्कोहल, अल्कीन, अल्काइन एंड ईथर्स। बिकॉज HCl आपने लिया है तो इस वजह से HCl के साथ जो जो चीज रिएक्ट हो सकती है उसके साथ आपको अवॉइड करना है एल्कोहल, अल्काइन।